Hey guys, back with another video. आज हम होंडा सीबी हॉर्नेट 160 का रिव्यू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे इस बाइक के ओनर रोहित रघुवंशी जी हैं। तो हम एक एक करके इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, उसके बाद इसके इंजन की, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस और सबसे लास्ट में इसके डाउन साइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी और बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इसकी ये आप डिज़ाइन देखें, इसका लुक देखें आप, ये नेकेड स्पोर्ट लुक है और इसका जो फ्रंट का ये हेडलाइट है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसमें आप देखें जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा का पूरा डिजिटल है, ये थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट है। इसका ग्राफिक डिज़ाइन देखें आप, जो इसके स्टिकर्स हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये ऑरेंज कलर के हैं, ये दूर से देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। इस बाइक के दो वेरियंट आते हैं, एक सिंगल डिस्क वेरियंट है, डुअल डिस्क वेरियंट। हमारे पास डुअल डिस्क वेरियंट है। और इसके आप बैक में देखें, इसका जो टेल लैंप है ये देखें आप, यूनिक है, ऐसा मैंने टेल लैंप किसी अदर बाइक में नहीं देखा है, ये देखने से ही पीछे से यूनिक लगता है। और इसका जो टायर है वाइड है 140 mm। इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा ये है कि इसका जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर ये स्क्रैचलेस ये लगे हुए हैं, ये मटेरियल लगा हुआ, जिसके कारण आप यहाँ टैंक में स्क्रैच नहीं आ सकते। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड बॉडी और डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, स्पोर्टी लगती है। अब इस बाइक के इंजन की बात करते हैं, तो इस बाइक का इंजन 160 cc एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है और इस बाइक का पावर 15.6 bhp है और इसका जो टॉर्क है 14.76 न्यूटन मीटर है। तो ओवरऑल ये 160 cc सेगमेंट का जो बाइक का इंजन है और पावर है वो काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस बाइक का जो इंजन है BS4 कंप्लाइंट इंजन है, जो पुराने वाले जैसे BS3 कंप्लाइंट इंजन था उसके कंपैरिजन में ये मोर इको फ्रेंडली है। तो हमने इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी एंड इंजन डिस्कस कर लिया है, अब हम इस बाइक की परफॉर्मेंस डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस बाइक के ओनर रोहित हैं, वो आगे के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, इस गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है, 45 का माइलेज निकाल देती है अगर सही तरीके से अपन राइड करें तो। इसका अपने पास जो वेरियंट है वो डबल डिस्क वाला है, इसमें कॉम्बी ब्रेक है जो हर गाड़ियों में नहीं होता है। कॉम्बी ब्रेक का ये होता है कि अगर आगे वाला पुश करते हैं तो पीछे वाला ब्रेक भी लगता है, जो अक्सर अपन को स्कूटी में देखने को मिलता है। राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है इसका, जिससे आप लॉन्ग ड्राइव पर रन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बैक पेन वगैरह नहीं होता है। इसका प्राइस जो है वो 97,000 का मेरे को पड़ा हुआ है। लेने से पहले मेरा और भी गाड़ी का लेने का मन था, जैसे कि पल्सर AS का मन था और उसके बाद FZ का मन था। तो फिर मैं देखा तीनों गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया, उसके बाद मेरे को रिजल्ट पता चला कि ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। अब सबसे लास्ट में इस बाइक की डाउन साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बोले अपन तो इसमें इंजन कील स्विच नहीं है, जो हर गाड़ियों में देखने को मिलता है। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो हार्ड है इनके अकॉर्डिंग, इसके कारण ये जो बैक पैसेंजर है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसका थर्ड डाउन साइड, इसको जब आप 20-30 किलोमीटर तक राइड कर लेते हैं उसके बाद इसका हीटिंग बढ़ जाता है, इंजन की हीटिंग दूसरी बाइक कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हीट करता है ये। तो गाइज ये थी इस बाइक की कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए थी खरीदने से पहले। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।